नमस्कार मित्रों मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि ऐसी क्या बात थी कि एक बार यादवों की सभा में अर्जुन, श्री कृष्ण, बलराम आदि सहित सभी यादवों को अकर्मण्य तथा निस्तेज जैसी हीन भावना से संबोधित करने लगे और अपने को कृष्ण, बलराम आदि से भी शक्तिशाली मानने लगे। इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि उस समय कौन अर्जुन को नपुंसक तथा धूर्त कहकर संबोधित किया और इस प्रकार का वर्णन भगवत महापुराण के दसम स्कंद के अध्याय 89 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मण के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। तब ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर द्वारिकापुरी के राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुर और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजाओं के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। इस प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही पुरानी बात फिर कह गया। इसी तरह से नवे बालक के मर जाने पर जब वह पुनः वहां आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। तब ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन उससे कहे, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजापालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं, जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रियों के भेष में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। ब्राह्मण, अब मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण सहित सभी यादवों तथा उनकी राज्य व्यवस्था को तुच्छ एवं असुरक्षित कहना, यह भगवान श्री कृष्ण सहित सभी यादवों के लिए बहुत बड़ी चुनौती के समान थी, जिसमें अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धारी वाला घमंड उनके सर पे चढ़कर बोल रहा था। हद तो तब हो गई जब अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं हूं अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। मैं आपसे अधिक क्या कहूं, मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। लो भैया, गजब हो गया। अब यहां अर्जुन सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण सहित बलराम और प्रद्युम्न से भी अपने को अधिक सामर्थ्यवान और शक्तिशाली मानने लगे। अब अर्जुन की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, यह एक रहस्य का विषय है जिसकी जानकारी आगे हो जाएगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब अर्जुन ने ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया तब वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गया, किंतु प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास पुनः आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन दिव्यास्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया और प्रसव गृह को अपने बाणों से चारों ओर घेर दिया। इस प्रकार से प्रसव गृह एक पिंजरे के समान हो गया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते सशरीर आकाश में अंतर्धान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। अब यहां पर बात पलट गई और वह ब्राह्मण अर्जुन को सबके सामने नपुंसक तक बना डाला। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि उस ब्राह्मण की भी गलती थी कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अर्जुन पर विश्वास कर लिया था, किंतु जब उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो कुछ इस प्रकार कहा,
भला जिसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन सामर्थ्य है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से संयमनीपुरी में गए, जहां भगवान यमराज निवास करते हैं। परंतु वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला, तब वे शस्त्र लेकर स्वर्ग से ऊपर महरलोक आदि में एवं अन्य अन्य स्थानों में गए, वहां भी ब्राह्मण बालक नहीं मिला। इस प्रकार से अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो, मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने सात सात पर्वतों वाले सात द्वीप, सात समुद्र और सात लोकों वाले पर्वत को लाघ कर घोर अंधकार को पार करते हुए दिव्य जल राशि में प्रवेश किए, जहां बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, जो बड़ी ही भली मालूम होती थी। वहां पहुंचने पर कुछ ही क्षण बाद सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म नारायण दिखे, जो शेष नाग पर विराजमान थे। उनके नजदीक पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। तब पर ब्रह्म नारायण ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालकों को अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ नर और नारायण के रूप में पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन उस परम शक्ति को नमस्कार किए और ब्राह्मण के सभी बालकों को लेकर द्वारिकापुरी लौट कर ब्राह्मण को उसके सभी बालक लौटा दिए। इस प्रकार से देखा जाए तो अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण बलराम आदि सभी यदुवंशियों को तुच्छ समझना, ब्राह्मण के पुत्रों का मरना आदि सब खेल परम शक्तिमान ईश्वर का ही था। अर्जुन तो केवल एक माध्यम बने थे। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण सहित सभी यदुवंशियों के साथ अर्जुन का यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।